वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनेट क्लास पे। देखिए 1100 प्लस एमसीक्यू, 1100 प्लस एमसीक्यू की आज सीरीज़ है आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री की। ठीक है, ये आपके हर एक परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन। लोग इसको आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं, बस एनसीईआरटी की आपका पार्ट होते हैं। सीयूईटी, यूपीपीसीएस, एपीएफओ, ईपीएफसी, एपीएफसी, ठीक है। इसमें आपका प्राचीन, मध्यकर्ण, आधुनिक, भारतीय तीनों का सभी का सार संग्रह है। इसमें तीनों के ही एमसीक्यू हैं। इसमें अभी आपकी क्लास की 6 की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर हो रही है। ठीक है, तीनों पे ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वीडियो भी मिलेगा। फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, तीनों पे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वो भी देखते रहें। पहला क्वेश्चन, लिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ आपके कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, तो इसमें आप बताइएगा। क्या ऋग्वेद है? ऋग्वेद नहीं होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथों की बात की जा रही, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये चारों हैं। तो अगर आपका ऑप्शन देखेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। दो सूचियाँ दी गई, उनको मिलान करना है। इधर आपका वर्ण का विभाजन, इधर कार्य का विभाजन है। ठीक है, तो कौन सा वर्ण कौन सा कार्य करता था? काफ़ी पुरानी बातें हो चुकी है, लेकिन अब अगर इसको हिस्ट्री में काफ़ी जोर दिया जाएगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये सिर्फ आपके लिए एक जो ये जो एंशियंट हिस्ट्री को जोड़ना, इस पे जो बल देने का कार्य किया जा रहा है, शायद आपको कहीं ना कहीं एक और गृह युद्ध की तरफ भी ले जाएगा। चलिए देखते हैं। ब्राह्मण, आपसे पहला पूछा जाए ब्राह्मण वर्ग क्या करता था, दूसरा शूद्र, तीसरा वैश्य, चौथा क्षत्रिय। तो इसमें अगर आपका पूछा जाए तो ब्राह्मण यज्ञ करते थे, शूद्र क्या करते थे, इनका था व्यापार। ठीक है, विश्व क्या करते थे, ये इनका व्यापार का काम था। विश्व क्या करते थे, नहीं सॉरी, शुद्ध जो है आपके सेवा करते थे, विश्व आपके जो व्यापार करते थे, क्षत्रिय जो है आपकी रक्षा करते थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया। अभी इस पे आपका काफ़ी डिस्प्यूट भी चल रहा था, जो कि अभी आपके कुछ जो मंत्री लोग थे उस पर काफ़ी डिस्प्यूट भी हो रहा था, एक चौपाई को लेकर के। तो उस चौपाई से ही ये क्वेश्चन वहाँ से उठ करके आया है कि महिलाओं को शूद्र के समान माना गया था। अब जब वो पूरी आप चौपाई पढ़ेंगे उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन यहाँ पे उसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया। तो देखिए इसमें कारण क्या माना गया है कि उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था। देखिए वहाँ जो माना गया था उसको आप यहाँ से कारण में इन्होंने इससे जोड़ा है एनसीईआरटी वालों ने, लेकिन ये कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। सही दोनों ही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं सही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं, स्पष्टीकरण इससे नहीं मिल रहा है। अधिकार नहीं दिया गया था पढ़ने को, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दिया भी गया उत्तर नंबर 20 का राइट आंसर है। वैदिक काल के संदर्भ में फिर से पूछा, क्षत्रियों और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, शूद्रों को अछूत माना जाता था, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होता था। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा नहीं है। ठीक है, अगला, वैदिक काल के संदर्भ में फिर से ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का बहुत ही सीमित था क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें दोनों ही सही हैं। अगर आप किसी भी जगह की वर्ण व्यवस्था एक वर्ग ने बना दी थी तो वो सभी को फॉलो नहीं हो, सभी फॉलो उसे नहीं करते थे। ठीक है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां जो है, कई बस्तियां जो हैं इसमें खुदाई की गई है। तो जनपदी बस्तियों को आपसे पूछा जा रहा है कहाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपके देखिए पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, अतरंजी खेड़ा एटा में है। ये कई बार क्वेश्चन अतरंजी खेड़ा के नाम से पूछा जाता है, कहाँ पे है, यूपी में है, याद रखिएगा, यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका यूपी स्पेशल की भी सीरीज आने वाली है, यूपीपीसीएस और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, अगला, महाजनपद के संदर्भ में आपको विचार करना है। महाजनपदों की कई राजधानियों की किलेबंदी की गई थी, राजा सेना रखने लगे थे जिससे वेतन दिया जाता था, वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों से किया जाता था, बताइए कौन सा सही है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, केवल सही है, महाजनपदों में किलेबंदी की जाती थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, महाजनपदों की जो है कर प्रणाली के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कर प्रणाली, प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा निर्धारित किया गया था कर के रूप में, कारीगरों को समूह के रूप में भुगतान कर का भुगतान करना होता था,
कारीगरों को। ठीक है, इसमें कौन सा सही जवाब है? दूसरा केवल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी, पहला नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अब क्या है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में पूछा जा रहा है। क्या है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, आकेठक और संग्रहकार के से पूर्णता मुक्त थे। तो इसमें कौन सा, संग्रह कर से। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही जवाब है? देखिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौसाम्बी किस स्थान पे है? कौसाम्बी आपका किस स्थान पे है? ये आपका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौसाम्बी। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र के दो बड़े परिवर्तन आए थे, क्या थे? अब इनके जो थे कि आपका जो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। तो दोनों ही सही थे उस टाइम, जो आप दोनों जो चेंजेस आए थे दोनों ही आपके सही थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मगध के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, इस क्षेत्र में लॉयस की खदानें थी। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तीनों ही सही है। मगध, मगध किसको बोलते थे? मगध नरेश आपके कौन थे, जिनको श्री कृष्ण जी से उनका काफ़ी बैर भी था, जरासंध, मगध से ही थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, महापद्म नंद। तुम प्रसेनजीत जो है कभी भी मगध के शासक नहीं रहे थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्रसेनजीत आपके कोसल नगर के थे, कोसल। अभी आपको 16 महाजनपदों की राजधानियां बताएंगे, उसमें आपको डिटेल वाइज बताएंगे कौन कहाँ का था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया, UPPCS का कई फेवरेट क्वेश्चन काफ़ी रहा है ये। कौन कभी मगध की राजधानी नहीं रहा? तो आपका श्रावस्ती कभी मगध की राजधानी नहीं रही, श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए राजगृह कई सालों तक राजधानी बनी रही थी, बाद में पाटलिपुत्र को ही अब मॉडर्न युग में पटना बोलते हैं, पटना। ठीक है, श्रावस्ती कोसल जनपद की राजधानी रही थी, ये याद रखिएगा। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। आपको लग रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। 2300 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के राजा थे सिकंदर, वो वर्ल्ड पूरे विश्व पर विजय करना चाह रहे थे और सफल हो नहीं पाए थे, क्योंकि वो मिस्र और पश्चिमी एशिया को जो है जीत नहीं पाए थे, और व्यास नदी इतनी बड़ी थी कि उसको पार करने से उनकी सेना ने मना कर दिया था। इतना इन्होंने धन देने की कोशिश भी की थी अपनी सेना को, पर उसने मना कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ के साथ इतनी बड़ी हाथियों की सेना को देख करके जो है इनकी सेना डर भी गई थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं NCERT के। NCERT के अभी एंशियंट है, अभी आप जब मेडिवल और मॉडर्न पे आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे, अभी बुद्धा है, महावीर स्वामी हैं, सबके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।